हेलो, मैं डॉक्टर आशा दीक्षित फ्रॉम दीक्षित हॉस्पिटल एंड हर्षय आईवीएफ सेंटर। हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि आईवीएफ यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद जो प्रेगनेंसी रहती है, जो पेशेंट कंसीव करता है, उन लोगों में मिसकैरेज ज़्यादा संभावना होती है मिसकैरेज होने की। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है कि हाँ, मिसकैरेज होने की संभावना जो नॉर्मली कंसीव पेशेंट में होती है उससे थोड़ा ज़्यादा चांसेस रहता है आईवीएफ कंसीव पेशेंट। और इसीलिए आईवीएफ कंसीव पेशेंट आफ्टर गेटिंग पॉजिटिव रिजल्ट, प्रेगनेंसी है पता चले, तो उसके बाद में हम लोग बोलते हैं कि आप थोड़ा रेस्ट भी रखिएगा। आईवीएफ के बाद में रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है ट्रीटमेंट के बाद, पर जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसके बाद में अपने को थोड़ा रेस्ट का ज़रूरत होता है। बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है कि नहीं वो डिपेंड करता है, वो डॉक्टर विल एडवाइज। बट जो आईवीएफ का प्रोसीजर है उसमें मैंने आगे भी आपको दो तीन बार बताया था कि में हम लोग पेशेंट का बीज बनाने के लिए इंजेक्शन देते हैं। जब पेशेंट के बीज बन जाते हैं तभी वो बीज को बेहोश करके बाहर निकाला जाता है, उसको पुरुष बीज के साथ मिलाया जाता है आईवीएफ द्वारा, या तो फिर इक्सी नाम का जो ट्रीटमेंट रहता है उसके द्वारा। और जब वो बच्चा बन जाता है यानी कि एम्ब्रियो बन जाता है, उसको फिर बच्चेदानी में बाहर से डाला जाता है। और नॉर्मली क्या होता है कि जब स्त्री एंड पुरुष का समागम होता है तभी स्त्री बीज के पास में पुरुष बीज जाते हैं, और फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसीजर है वो नेचुरल होता है, कुदरती तरीके से होता है ट्यूब के अंदर। तो ये जो दो डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस, कि एक में बच्चा हम लोग बाहर बनाते हैं और एक में बच्चा अंदर बनता है। जब बच्चा अंदर बनता है तब वो अपना एक माहौल खुद क्रिएट करता है, तो मदर के बच्चेदानी के अंदर एक गद्दी बन जाती है, उसका एक वास्क्यूलर, उसको जहाँ से ब्लड सप्लाई मिलना है, न्यूट्रिशन मिलना है, वो सब बिल्कुल प्रिपेयर हो जाता है कुदरती तरीके से। और फिर वहाँ पे आके बच्चे को बैठना है, इम्प्लांट होना है। और जब हम आईवीएफ करते हैं तभी हमें बच्चेदानी के अंदर वो जो नेचुरली बनने वाली चीज़ है वो बनाने के लिए बाहर से दवाई देनी पड़ती है, तब जाके बच्चेदानी में एक गद्दी तैयार होती है, वहाँ पे वास्कुलर जो भी ब्लड सप्लाई न्यूट्रिशन मिलेगा वो माहौल हम क्रिएट कर रहे हैं दवाई देके। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। और ये बेसिक डिफरेंस की वजह से हम लोग जब बच्चे को रखते हैं अंदर तो वो बच्चा थोड़ा समय के लिए बच्चेदानी के अंदर तैरता रहता है, इधर उधर जाता है, फिर वो अपनी जगह बनाता है, फिर वो बच्चेदानी के अंदर इम्प्लांट होता है और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन खोजता है। और इतना जो टाइम रहता है उसके अंदर जो हम बनाया हुआ जो एक न्यूट्रिशन के लिए जो बच्चेदानी के अंदर एंडोमेट्रियम बनाया जाता है वो अगर ठीक से नहीं बना या फिर बच्चा ठीक से नहीं चिपका तो उसको न्यूट्रिशन कम मिलता है। ये एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ। तो उस केस में अगर उसका न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाए या तो कट ऑफ हो जाए, या जो बच्चेदानी में बच्चा चिपकता है वो जगह थोड़ी वीक हो तो बच्चा डिटैच हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी कभी होती है तो मिसकैरेज होने के चांस। दूसरी बात ये है कि पैथोलॉजी, क्योंकि बच्चा कंसीव नॉर्मली नहीं हुआ तो उसके रीज़न में कभी कभी अंडे की क्वालिटी थोड़ी सब नॉर्मल होती है, पुरुष के शुक्राणु की क्वालिटी थोड़ी सब नॉर्मल होती है। तो जब भी एक क्वालिटी का प्रॉब्लम आता है तो बच्चा इटसेल्फ थोड़ा वीक रहता है और मिसकैरेज के थोड़े चांस ज़्यादा रहते हैं। और कभी कभी ऐसा भी रहता है कि आईवीएफ के केस में कोई सेंटर तीन एम्ब्रियो तीन बच्चे ट्रांसफर करते हैं, कोई सेंटर में दो बच्चे ट्रांसफर करते हैं, तो ये जगह पे दोनों रह जाते हैं या तीनों रह जाते हैं, तो ट्रिपलेट या ट्विंस रह जाते हैं, तो ऐसे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि मल्टीफिटल प्रेगनेंसी होती है। और उस केस में नॉर्मल सिंगल टोन बेबी से थोड़े ज़्यादा चांसेस मिसकैरेज के रहते हैं। तो ये सब कारण है कि जिसमें
IVF ट्रीटमेंट वालों को ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, उनको ज़्यादा सपोर्ट की मेडिसिन देनी पड़ती है, क्योंकि उनमें थोड़ा मिसकैरेज का चांसेस ज़्यादा है। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे कि PCOS वाले पेशेंट इनफर्टिलिटी होती है क्या उनमें, तो नेक्स्ट टाइम ये लेके आती हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।